भाजपा कांग्रेस में लगातार दलबदल की स्थिति ने सीटों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की जो सूची तैयार की गई है उसमें कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जो अब पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालांकि अब पार्टी अब एहतियात बरत रही है, लेकिन अभी भी कुछ अन्य नेताओं के दलबदल की आशंका है, इसलिए संबंधित क्षेत्रों के अन्य नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। एक तरफ नेता ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि वो अभी कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहीं नेता और मंत्री दलबदल कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी में गए हैं वो उनके संपर्क में हैं और वो उनसे बात कर समाधान निकालेंगे। हमारी पार्टी बराबर सजग है, चैतन्य है और इस पर ध्यान रखकर जो है लोगों के संपर्क में है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 महीने पहले इसी दफ्तर में आपने भी देखा, आपके कैमरों ने कवर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थैलों में भर भर के यहां पर आ रहे थे और हजारों की तादाद में हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। तो ये जहां पर भी सत्ता उन्मुख होते हैं जो लोग, वो सत्ता को देखकर उसकी तरफ भागते हैं। कल कांग्रेस की तरफ भाग रहे थे, आज भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। हमारी सरकार आ गई है कर्नाटक में, वहां भाजपा ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हरियाणा में टपक गए मनोहर लाल जी खट्टर, तो वहां पर भाग के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तो ये जो है, जहां पर अब टीएमसी की सरकार आ गई बंगाल में, तो वो जो भाजपा ही है वो टीएमसी में घुसने लग गए। तो ये जो सत्ता उन्मुख लोग होते हैं, ये जो है लालच में इस तरफ से भागा दौड़ी करते हैं, तो ये निरंतर प्रक्रिया है। अब आप लोभियों को रोक तो सकते नहीं है।